हेलो एंड वेलकम गाइस। तो मुझे पता है ये वीडियो बहुत दिन के बाद या कह सकते हैं एक महीने के बाद आ रही है। लास्ट वीडियो मैंने हैंड कैम के ऊपर डाला था क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने वो हैंड कैम डालने का सोचा और हैंड कैम डाल दिया। फिर मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मैं अभी 10th कर रहा हूँ और मेरे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है। तो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम मैं जैसे ही ख़त्म करता हूँ, मेरा 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 4 से 24 मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। तो 24 मार्च को जैसे मैं ख़त्म करता हूँ 25 या तो 26 तक वीडियो आ जाएगी। तो 26 को मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ नए वीडियो में। तो वुल स्नाइप से मैंने बात की है, जो मेरी टीम का एक प्रोमिनेंट प्लेयर है, 3 फिंगर क्लॉ विथ जायरोस्कोप स्कोप ऑन पर खेलता है, डायमंड थ्री पे वो KD अबाउट 4 to 5 है। तो उसमें उसने अभी मुझे रिप्लाई दिया है कि वो 24 तक वो भी अवेलेबल रहेगा खेलने के लिए। तो अगर वो अवेलेबल रहेगा तो उसके साथ मैं खेल पाऊँगा। वो वीडियो अभी 24-25 को आएगा। कोई ये मत सोचना कि मैं वीडियो नहीं डालूँगा, मेरा वीडियो आएगा लेकिन थोड़ा सा डिले करेगा क्योंकि मेरा 10th का बोर्ड भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 10th का बोर्ड एक बार ख़त्म होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेसिस पर वीडियो बनाऊँ या तो स्ट्रीम्स करूँ वीकली वंस या ट्वाइस स्ट्रीम, और एक दो दिन फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करूँगा। तो ये मेरे वीडियोस डिले हो सकते हैं लेकिन वीडियोस डालना मैं स्टॉप नहीं करूँगा कभी। तो अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते, तो मैंने एक किल ले लिया और मुझे हिट मार्कर्स बता रहे कि बहुत सारे प्लेयर्स फाइट्स ले रहे, लेकिन यहाँ से मुझे एक भी प्लेयर दिख नहीं रहा था। मुझे जितने भी प्लेयर्स दिख रहे थे मैं फायर करते गए, ख़त्म करते गए। फिर मुझे एक कार भी क्रॉस होते हुए दिखी, फिर वो कार भी निकल गई सेंट्रल रोड की तरफ, तो इसलिए मैं उसको चेस नहीं गया। एनिमी डाउन। तो मैं अपनी लूटिंग कंप्लीट करते हुए निकल रहा था अपने किल्स ख़त्म करने के लिए, क्योंकि गेम प्ले बनाने के लिए बस एक ही चीज़ लगता है, एक तो है स्किल्स, दूसरा है किल्स। ये दोनों भी रहेगा तो अपना वीडियो एकदम अट्रैक्टिव लगता है। तो मुझे बहुत सारे हिट मार्कर्स दिखा रहे थे लेकिन कहीं पर भी बंदे दिख नहीं रहे थे। मैं पुश मारने के लिए फुल रेडी था, फिर बाद में मुझे पता चलता है कि जो सामने वाली अपार्टमेंट रहती है वहाँ पर कुछ बंदे भी है, और मुझे स्टेडियम के बाजू वाले अपार्टमेंट में भी थोड़े से बंदे हैं। जैसे मैंने स्कोप ऑन किया था वो बंदा छुप गया, तो इसलिए फिर मैंने उस पर पुश मारने का सोचा। मुझे पता चला कि स्टेडियम पर भी एक बंदा है जो थर्ड पर्सन व्यू का यूज़ कर रहा है। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो पैनिक हो गया था और मैं भी बहुत पैनिक हो गया था। वो बंदे अचानक से आ गया, वो मेरे सामने रीलोड करते बैठा था गन। फिर मैं थोड़ा बहुत लूटिंग करके निकल गया था किल्स के लिए, और मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि मैं यहाँ पर प्रोन क्यों हुआ था, लेकिन कैसे तो करके मैंने प्रोन करके भी वो बंदे को ख़त्म कर दिया। फिर मुझे पता चला कि उसके एक और प्लेयर है, तो मैंने उस पर पुश किया ताकि दोनों प्लेयर को मैं वाइप आउट कर सकूं, नहीं तो वो लोग फिर बाद में रिवाइव वाला गेम खेलेंगे। तो जो दूसरा वाला बंदा था वो उजी चला रहा था और उसने मुझे जस्ट सेकेंड में ख़त्म कर सकता था, बस और एक दो बुलेट्स पर मैं ख़त्म था। लेकिन मैंने परफेक्ट टाइम पे स्कोप ऑन कर फायर करना चालू किया और उसको पूरी तरह से डैमेज दिया। मुझे मेरी
लूट मिल चुकी थी तो मैं बस किल्स के लिए निकल पड़ा था। कैसे तो करके मैंने थोड़े बहुत किल्स किए। मैंने गलती कर दी कि मैंने लूट पर थोड़ा सा ध्यान दिया, इसीलिए मुझे किल्स ज़्यादा नहीं मिल पाए। मुझे पहले ही पुश करना चाहिए था एक कार लेकर कोई भी एक जगह पर। तो यहाँ पर एक और बंदा है, या कह सकते हैं मुझे तो लगता है ये बॉट था। तो मुझे अपार्टमेंट से भी हिट मार्कर्स आ रहे थे, तो मुझे मन नहीं था कि अपार्टमेंट्स के तरफ से निकल जाऊं। तो मैं अपार्टमेंट्स के लिए वेट कर रहा था, मतलब वो बंदे के लिए वेट कर रहा था अपार्टमेंट्स के इधर। फिर मुझे वो बंदा दिखा, लेकिन मेरी 6x स्कोप एडजस्ट नहीं हो रही थी। एडजस्ट का सिंबल पूरी तरह से गायब था यहाँ पर। तो जो 6x स्कोप है वो स्कारल पे लगी थी। स्कारल की रिकॉइल भी बहुत हाई रहती है, वो भी 6x पर। 3x पर फिर भी हो जाता है एडजस्ट। फिर मैंने तो कैसे तो करके उसको एम असिस्ट के कारण इजीली ख़त्म कर दिया था। एनिमी डाउन। मैं बंदूक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था और कहीं से हिट मार्कर्स नहीं आ रहे थे। फिर मुझे अचानक से सेंट्रल रोड की तरफ से हिट मार्कर्स आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने पुश किया सेंट्रल रोड के इधर भी। फिर पता चला स्टेडियम पर भी बंदे हैं। मैंने स्टेडियम पर पूरी तरह से स्क्वाड वाइप, मतलब पूरी तरह से वाइप नहीं किया, मुझे बाद में पता चला ये। फिर मैंने स्टेडियम पर वाइप करने के लिए निकल पड़ा। मुझे पता था कि यहाँ पर कोई तो एक बंदा है, मुझे कुछ कुछ बहुत बहुत देर से आ रहे थे, लेकिन मैं पुश कर रहा हूँ लेकिन वो बंदा कहीं से तो बाहर निकल गया। फिर मैंने जोन के लिए देर नहीं की और जोन के लिए निकल गया। मुझे सेंट्रल रोड की तरफ से फिर से एक बॉट की आवाज़ आ रही थी जो सिंगल फायरिंग दे रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई बंदा था ही नहीं जहाँ से हिट मारकर दिखा रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा जैसे ही व्यू चेंज किया तो एक बॉट बैठा था और तब तक मार भी दिया था। मुझे पता था कि यहाँ पर एक बंदा है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर बस एक बंदा है, लेकिन यहाँ पर दो बंदे थे, एक ही टीम के थे वो दोनों भी। और मेरा नेट टॉस भी अच्छे से काम नहीं दिया इस पर। मैं बस पुश करने के लिए निकल गया उस बंदे के ऊपर। मैंने ये सोचा कि एक मिनट टॉस करते, तो मुझे नीचे से बंदे आते हुए देखे। मैं बहुत बड़ा
पैनिक हो गया था यहाँ पर और एकदम नूब जैसे बर्ताव करने लगा मैं। लिटरली मैं उनके पैरों पर फायर करने लग रहा था और वो भी कुछ मार ही नहीं रहे थे मुझे। मैं इनके तीसरे प्लेयर को ढूंढ रहा था, तीसरा या चौथा प्लेयर जो भी अगर मिल जाए तो यहाँ पर एक स्क्वाड वाइप हो जाता, लेकिन लास्ट तक इनका तीसरा प्लेयर मिला नहीं। तो फिर मैंने इनको बाद में ख़त्म कर दिया था। चलो जो दो प्लेयर्स मिले थे उनके पास से कार्नेटेड मिली जिससे मुझे एक किल कैसे तो करके लेना था। लेवल 2 के हेलमेट ने इसको बचा लिया था तो मैं बगी से पुश करने के लिए निकल पड़ा क्योंकि सामने से दो बंदों की आवाज़ आ रही थी। पता चल गया कि तो अलग अलग टीम्स लड़ रहे थे, LF3 का सिचुएशन था। उसको किल कैसे तो कर दिया, जो जोन की वजह से आ रहा था किल कैसे तो कर लिया था। मुझे लास्ट के बंदे को एटलीस्ट कार्नेटेड से किल करना था इसलिए मैंने कार्नेटेड को भी रिलोड करके रख लिया। मुझे लगा बंदा एकदम जोन के अंदर ही रहेगा, फिर मैंने कैंप करने का सोचा यहीं जगह पर। फिर मुझे याद आया कि जो बंदे को मैंने मारा उसने वायरस पर फायरिंग कर रहा था और डैमेज दे रहा था कोई एक बंदे को और वायरस से भी DP की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने वायरस पर चेक करने के लिए निकला तो मुझे पता चला कि वो बंदा अंदर ही था और मैं फिर से हो गया पैनिक क्योंकि LF2 का सिचुएशन था। मैं हो गया पैनिक फिर से। फिर बाद में पता चलता है कि वो एकदम नूब जैसे बर्ताव दे रहा था तो इसलिए कार्नेटेड से लास्ट वाला शॉट। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और कमेंट करना कि वॉइस ओवर कैसा लगा। और वीडियोस बहुत जल्द आएंगे जैसे मुझे टाइम मिलेगा और मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं वीडियोस फिर से अपलोड करना चालू कर दूँगा। और एग्ज़ाम होने के बाद तो वैसे भी वीडियोस आने ही वाले हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। और मेरी टीम को हम बढ़ाना चाह रहे जैसे कि हमारे टीम में अबाउट 6 to 7 प्लेयर्स है जो भी मेरा चैनल फ्रीक्वेंटली देखता है उनको मेरी टीम के बारे में मालूम रहेगा। मेरी टीम का नाम है टीम वुल्फ और इसमें अलग अलग प्लेयर्स है जैसे टीम वुल्फ का और एक क्लैन भी है वुल्व्स नाम का। ये क्लैन को आप ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि एक मेन रिक्वायरमेंट है कि आपको एक रीनेम कार्ड होना, आपके पास एक रीनेम कार्ड होना चाहिए, आपका डायमंड का लीग होना चाहिए 5 का KD और प्लस आपको अगर आपको एक 4 और 3 फिंगर क्लॉ है तो और अच्छा होगा। हम आपको रिक्वायरमेंट कम करके भी ले लेंगे लेकिन आपको उसके लिए एक 3 फिंगर क्लॉ या 4 फिंगर क्लॉ होना चाहिए क्योंकि क्लॉ प्लेयर्स का रिफ्लेक्स थोड़ा सा हाई रहता है। हमारी टीम के अभी के प्लेयर्स है वुल्व्स हंटर, वुल्व्स हंट, वुल्व्स स्नाइप और वुल्व्स लॉर्ड। और इसमें से कुछ प्लेयर्स अभी फ़िलहाल में ऑनलाइन नहीं है, एक्टिव नहीं है, वो जैसे ही एक्टिव आएंगे उनके साथ हम पूरे टीम वुल्व्स का गेम प्ले बनाएंगे। वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएगी, जैसे हमें टाइम मिलता है हम वीडियोस बना देंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई दे दूँगा। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है @IamFlicky007। तो
आप वहाँ पर मुझे बस एक डीएम कर दो और फिर मैं आपको वहाँ पर ही रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर कर दो, और बहुत हेल्पफुल हो जाएगा।